नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं गर्दनी बाग में, धरना स्थल गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पे बीटेट अभ्यर्थी हैं जो कि इनका मांग है कि सातवें चरण से पहले पात्रता परीक्षा हो। और क्या मांग है? मैं गौरव मंडल पूर्णिया से पटना आया हूँ और गर्दनी बाग में हमारा धरना स्थल है, गेट नंबर 1 में, सभी को जान जाइए। मेरा जो भी सीटेट अभ्यर्थी से यह निवेदन है कि आप लोग बोल रहे हैं कि सीटेट के माध्यम से ही बिहार सरकार यदि प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी दे रही है, तो क्या बात, हम ये बात बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने 2011 के बाद जो भर्ती ली 2017 और 2017 के बाद कब लेगी, यदि हर एक साल सीटेट होती रही और बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि आपको जो है प्रशिक्षित करे और भर्ती के लिए स्कूलों में ले जाए, तब आपकी स्थिति क्या होगी, आप ये जान रहे हैं? तो आपकी भी सीटेट की डिग्री वैसी ही रह जाएगी, चूल्हा में जलाने के लायक डिग्री रह जाएगी। इससे नम्र निवेदन है सभी भाइयों को, NCT गाइडलाइन और राइट RTE एक्ट के द्वारा क्या कहती है कि हर राज्य जो अपना पात्रता परीक्षा लेगी, यदि आप लोग पात्रता परीक्षा नहीं चाहेंगे तो सरकार ऐसे ही मनमानी करती रहेगी, क्योंकि उसके बाद एक संसाधन होगा बोलने के लिए कि सीटेट ही एक साधन है जिसके द्वारा हम जो भर्ती करेंगे सारे शिक्षकों को। लेकिन ऐसा नहीं, हम सरकार से दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। सरकार ऐसी पात्रता परीक्षा का, शिक्षक पात्रता परीक्षा का हर एक राज्य निर्माण करे और आगे से ये एक नियमावली बने जिसमें ये लिखा हो कि हर एक वर्ष शिक्षक ट्रेंड होते हैं उसके आधार पर हर एक, आप छोटे छोटे रूपों में हर वर्ष जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा लीजिए, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी ट्रेंड होते हैं वो हर वर्ष जो है एग्जाम दे के स्कूलों में जाएंगे, तब हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और भारतवर्ष के पायदान में जो है हमारा शिक्षा व्यवस्था क्या है आपको पता है, 61.125% है, यानी कि हम सबसे नीचे पायदान पे आज गुजर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था का निर्माण यदि हर साल लीजिएगा तो हमारा व्यवस्था अच्छा होगा और सुदृढ़ होगा। इसलिए सीटेट अभ्यर्थी से यही गुजारिश करते हैं, आप सीटेट एग्जाम देते हैं ठीक है, लेकिन बिहार सरकार को बोलिए कि हर साल जो है पात्रता परीक्षा का आयोजन करें, जिससे हम लोगों की जो भागीदारी होगी स्कूल में वो सुनिश्चित होगी। ऐसा ना करिए कि सरकार मनमानी करती रहे हर समय। थैंक यू। क्या कहा? मेरा नाम राजवीर शरण हुआ, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे साथी कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तो हम अपने साथी को बताना चाहते हैं, सीटेट वाले साथी को बताना चाहते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने खुद सरकार पर सवाल उठाया है कि हमारी सरकार बीटेट लेगी तो 16 दिन मीटिंग करने में लगेगा, 1 महीना फॉर्म निकालने में लगेगा और 3 महीना, मतलब कि 3 महीना वैकेंसी निकालने में लगी, 6 महीना एग्जाम लेने में लगा, साल भर रिजल्ट देने में लगा। तो वो तो सरकार तो उनका बात मान चुकी थी फिर कि नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन खुद उनको सरकार पर डाउट है और खुद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप दबाव में काम मत कीजिए, आप में हमको पता, हम अपने सरकार शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि आप ये चीज़ साबित कर दीजिए कि हम 3 महीना के अंदर में पात्रता परीक्षा ले भी लेंगे और रिजल्ट भी दे देंगे, आप में काबिलियत है दिखा दीजिए सामने वाले को। उन लोगों का कहना है, कोई किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, सीटेट वाले भाई का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहते हैं कि BPSC तो सरकार तो ठीक से करा नहीं पाई, तो बीटेट क्या करा पाएगी? और हम सब कहते हैं कि सरकार से, कि सरकार में हमारे में इतना क्षमता है कि वो चाह जाएगी तो आज के आज बीटेट का नोटिफिकेशन निकलेगा और 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा और 1 महीना फॉर्म भरेगा, 2 महीना रिजल्ट एग्जाम लेगी, 3 महीना रिजल्ट देगी, इतना भी सरकार में, हमारी सरकार में काबिलियत है और हम सरकार को जानते हैं अच्छे से, बिहार सरकार को, बस चाह जाएगी तो 3 महीना के अंदर में एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा और सीटेट वाले भाई को मुँह तोड़ जवाब भी मिलेगा। धन्यवाद। बिहार दरोगा का जो रिजल्ट निकला, मात्र 6 दिन के बाद रिजल्ट निकाल दिया गया, 15 दिन के बाद उनका दौर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। हमारी बिहार सरकार इतनी तेज है। तो देखिए, सरकार पे भरोसा है, विश्वास है और उसी भरोसा और विश्वास को लेकर ये बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी मांग मान ले और जो इनके भाई इन पे जो आरोप जर रहे हैं उनका जवाब भी मिल जाए। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। बिहार सरकार दबाव में काम करना बंद करे, सेवन फेस से पहले बिटेट हो, पूरी करो, हम अपनी मांग लेकर आएंगे, सातवें चरण से पहले बीटेट हो, सातवें चरण से पहले बीटेट हो, शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय।
नीतीश कुमार हाय 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 बिहार की डबल इंजन सरकार हाय 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 हम अपनी मांग लेकर आएंगे हम अपनी मांग लेकर आएंगे सातवें चरण से पहले टीके दो सातवें चरण से पहले टीके दो शिक्षा मंत्री हाय 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 शिक्षा मंत्री दबाव में काम करना बंद करो बंद करो बंद करो शिक्षा मंत्री दबाव में काम करना बंद करो बंद करो बंद करो नीतीश कुमार हाय 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 शिक्षा सचिव हाय 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 बस।